अपना ओपा से नहीं कैसे सबसे पहले होम स्लिप चालू करना है उसके बाद ये मेंस चालू करना है। आप देखोगे तो उसके अंदर सब 0-0 दिखेगा। ये चालू होने के बाद उसका आपको लैंप चालू करना है, इधर लिखा है लैंप ऑन चालू कर देना है। तो ये पूरा आपको को यहाँ पर परसेंटेज ओपेक 100 दिखाएगा और ये यहाँ पर आपको सैंपल प्लेस करना है। तो सबसे पहले आपको उसके अंदर सैंपल कैसे रखना है वो समझा। ये सैंपल इसके अंदर प्लेस करना है। इसके अंदर आप देखोगे दो प्लेट दी हुई है, एक बड़ी वाली है और एक छोटी प्लेट है बराबर। और इसके अंदर ऑलरेडी हमने एक रखा हुआ है, ये एक्चुअली कैलिब्रेशन सैंपल है। जब आपको मशीन चालू कर रहे हैं आपको इसका कैलिब्रेशन देख लेना है कि उतना ही है कि नहीं है। इसका ऑलरेडी इसका 0.2% उसका ओपेकनेस दिख रहा है। तो सबसे पहले आपको ये उठाकर सैंपल हमेशा लैंप अपना इस साइड है, लेफ्ट साइड अपना लैंप है, उस तरफ इसको रखना है। तो सैंपल को सिर्फ इजीली आप देख सकते हो इधर इस तरीके से सिर्फ रखना है अंदर बीच में। ऐसा होने के बाद इसका ढक्कन सिर्फ बंद कर देना है। अभी आप देखोगे इधर रीडिंग चेंज हो रहा है, ये 0.2 आना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हो ये अभी अपने को 0.22 दिखा रहा है, मतलब 0.2 ही के नजदीकी है बराबर। तो ये अपना अभी मशीन कैलिब्रेट हुआ है। उसके बाद अपने को इसके अंदर सैंपल कैसे प्लेस करना है वो मैं आपको अभी समझाता हूँ। सैंपल कैसे प्लेस करना है इसे मैं आपको समझाता हूँ। आप देख सकोगे कि उसमें जो दो प्लेट लगी हुई है, एक बड़ी प्लेट है और एक छोटी थिकनेस है। तो आपको क्या करना है, जिस साइड आपकी छोटी प्लेट है और यहाँ पर एक अब देखो बड़ी प्लेट है, सबसे पहले बड़ी प्लेट को निकाल देना है बाहर, क्योंकि वो अपना कैलिब्रेशन वाली प्लेट है। तो यहाँ पर जो दो बोल्ट दिए हुए हैं उसको इसको धीरे धीरे खोल के निकाल देना है। जैसे कि ये प्लेट अपनी कैलिब्रेशन वाली प्लेट है, उसको निकाल के साइड में रख देना है। और ये एक प्लेट है जिसमें आपको सैंपल प्लेस करना है। तो इसको क्या करना है, इस प्लेस का जो होल वाला एरिया है वो उसको नीचे के बाजू इस तरफ ऐसे डाल देना है। और जैसे कि आपने ये रख दिया है, अभी यहाँ आप देखोगे ये पूरे का पूरा आपको थ्रू होल दिख रहा है। अभी सैंपल रखना है अपने को जिस साइड ये बड़ा होल दिख रहा है। जैसे कि एक मैंने सैंपल लिया है, ये बेसिकली अपना पीवीसी का ही सैंपल है, उसको मैं कैसे डाल रहा हूँ आप देख सकोगे। इसको सिर्फ ऐसे ही इसके अंदर स्लाइड कर देना है, थोड़ा बोल्ट को लूज करना है, ये पूरा अपने हिसाब से स्लाइड होके अंदर चला जाएगा। आप देखो ये सैंपल इधर आ गया। अभी सिर्फ ये जो बोल्ट है ना उसको सिर्फ टाइट करना है। आप देखो ये बोल्ट मैं टाइट कर रहा हूँ, क्या होगा सैंपल अपनी जगह पे जाके बैठ जाएगा। देखो ये हो गया बराबर, हमने सैंपल रख दिया है। अभी इसको कुछ करना नहीं है, उसको सिर्फ अंदर इस तरीके से प्लेस कर देना है और ऊपर से इसका टॉप बंद करना है। अभी इसका रीडिंग आ रहा है, जैसे कि आपने ये सैंपल देखा वो दिखा रहा है 9.08% ओपेक है। जैसे ये टेस्ट हो जाता है ये डायरेक्ट आपको परसेंटेज में ही दिखाएगा ओपेकनेस कितना है। उसके बाद टेस्ट खत्म होने के बाद इसको लैंप को बंद करना है। जैसे ये बंद करने के बाद ये सीधा 0 हो जाएगा लैंप बंद करने से। और मेंस को भी बंद कर देना।